हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त दो टिप्स लेके ऐसे आई हूँ जो आप एक ही चीज़ों से दो दो काम एकदम मिनटों में करें और ये हर गृहिणी की झंझट है। तो चलिए आज ही इसको दूर करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दूध और दवाई का क्या कनेक्शन है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये दूध का भगोना है जो कि डेली ही आपको धोने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास प्लास्टिक वाले वो मलने वाले नहीं हैं या फिर स्क्रबर नहीं है बर्तन धोने वाले, तो कभी कभी आपको प्लास्टिक के पॉलीथीन से धोने पड़ते हैं, तो उससे जो है ना ये सब साफ अच्छे से हो नहीं पाता है और हमारा बर्तन भी स्मेल करने लगता है दूध जैसा। तो चलिए तो हम बिना स्क्रबर बिना किसी प्लास्टिक मलने वाले से ऐसे हम किस तरह से बर्तन को धोएं और जिससे कि स्मेल भी ना आए और एकदम मिनटों में ये साफ़ हो जाए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो है ना खाली दवाई का प्लास्टिक है, तो इसको जो है ना मैं इसी तरह से हर तरफ से धीरे 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 करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी मलाई आ गई है और ये मलाई जो है ना आप लोग ऐसे भी वेस्ट कर देते हो कि कौन ये झंझट हटाए, लेकिन यहाँ से जो है ना एक तो एक चीज़ से जो है ना आपके दो दो काम आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी विंटर का सीज़न आ रहा है, तो यहाँ पर आप जो है ना मलाई इसको हाथों में पैरों में अच्छे से मसाज करोगे तो आपका ड्राइनेस भी एकदम से चला जाएगा और एक अलग शाइनिंग भी आ जाएगी। नंबर दो टिप्स, तो यहाँ पे देख लीजिए हम दूध वाले बर्तन तो डेली धोते हैं, तो इससे जो है ना ये मलाई हमारे सिंक के ऊपर पूरे से जम जाती है और जिससे कि हमारा सिंक गंदा और फिर इसमें मतलब ऑयलीनेस पूरा चिपचिपा सा हो जाता है, तो इसलिए और इससे भी थोड़ी थोड़ी स्मेल आ जाती है। तो इसको जो है ना हमको घिस घिस के साफ करना पड़ता है, बहुत सारे डिटर्जेंट लगते हैं सर्फ लगते हैं। तो चलिए बिना कोई झंझट के हम जो है ना इसको भी सेकेंडों में साफ करें, वो भी एकदम चांदी जैसा चमचमा जाएगा हमारा सिंक। तो बस उसी खाली प्लास्टिक को लेना है और फिर थोड़े से मैंने डिटर्जेंट लिया है यहाँ पर देख लीजिए, और फिर जो मैं एकदम से घिस घिस के मेहनत के साथ साफ करती हूँ वो मैं एकदम हल्के हाथों से बस दाएँ बाएँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक दवाई की हेल्प से, दवाई की प्लास्टिक की हेल्प से देख लीजिए हमारा बेसिन जो है ना कितना ज़्यादा चमक उठेगा और ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए बस उसी दवाई के सहारे जो है ना मैं हल्के हल्के मसाज कर रही हूँ, तो इससे जो है ना हमारा सारा ऑयलनेस जो भी सिंक में लगा हुआ था चिपचिपा सा और जो भी स्मेल आ रही थी वो सारे एकदम मिनटों में यहाँ पे देख लीजिए साफ़ हो गई है। यहाँ पे अब कोई चिपचिपाहट नहीं है ना ही कोई स्मेल है और हमारा सिंक भी देख लीजिए कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, तो है ना मज़ेदार दो दो टिप्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए फिर से एक अच्छा सा टिप्स लेके आए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, अभी के लिए बाय बाय।